हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रिविट आर्किटेक्चर के अंदर जो है सीलिंग कैसे असाइन करें, यानी कि जो हमारा छत होता है स्लैब, तो स्लैब जो है हम कैसे असाइन करें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर राइट साइड में हमारे प्रोजेक्ट ब्राउजर में। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास दो फ्लोर प्लान है, ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर प्लान में और ये सेंटर में आपका है ड्राइंग एरिया। और इस ड्राइंग एरिया में हमारे पास है कुछ बाउंड्री वॉल और बाउंड्री वॉल है, फिर बीच में एक रूम है। ठीक है, रूम को एक डोर है, पांच विंडोज है। ठीक है, ये तो है इस प्लान का 2D व्यू। मैं आपको अब 3D व्यू बताता हूँ। 3D व्यू में जाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे रिबिन में। रिबिन में जाकर व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे 3D व्यू पे। ठीक है, तो ये है आपका 3D व्यू। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये आपका प्लान है। प्लान को मैंने थोड़ा सा कलरिंग की है, थोड़ी सी फ्लोरिंग असाइन की है। ठीक है, तो अभी हम बैक आ जाते हैं हमारे फ्लोर प्लान पर। ठीक है, अब हम इसमें असाइन करेंगे सीलिंग। तो सीलिंग असाइन करने के लिए आप जाएंगे रिबिन में। रिबिन में जाकर आप जाएंगे आर्किटेक्चर टैब। आर्किटेक्चर टैब में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सीलिंग वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये सीलिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो अब सीलिंग के ऑप्शन पे आप जैसे भी यहाँ क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज पैलेट में सीलिंग की डिफॉल्ट टाइप आ जाएगी। ठीक है, आप अगर इसमें टाइप सेलेक्टर को क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा बेसिक सीलिंग जेनरिक, और इसका लेवल जो है ग्राउंड फ्लोर है, और हाइट ऑफसेट फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर जो है 8 फीट का है। ठीक है, तो मैं इस 8 फीट को कर दूंगा 10 फीट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर दूंगा अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर चाहे तो आपके पास दो ऑप्शंस है, ऑटोमेटिक सीलिंग और स्केच सीलिंग। अगर आपकी बाउंड्रीज जो है अगर अच्छी से अप्लाई है तो आप जो है ऑटोमेटिक सीलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बाउंड्री सही से अप्लाई नहीं है, क्लोज नहीं है, तो आप जो है स्केच सीलिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा स्केच सीलिंग का ऑप्शन। और आपको यहाँ पर जो है फिर बाउंड्री लाइन और स्लोप आरो का ऑप्शन है। आप बाउंड्री लाइन में से जो है चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी शेप सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री ड्रॉ होगी। ठीक है, अब बाउंड्री ड्रॉ होने के बाद आप जाएं और यहाँ पर मॉडिफाई क्रिएट सीलिंग बाउंड्री टूल के अंदर यहाँ पर इस राइट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें। आप जैसे ही अब राइट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया, आपकी सीलिंग जो है अप्लाई होगी, लेकिन ये सीलिंग जो है आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान में नहीं दिखेगी। ठीक है, अब वो सीलिंग देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा 3D व्यू में। 3D व्यू में जाने के लिए आप यहाँ पर इसमें क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये जो है आपकी यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी सीलिंग यहाँ पर आपको आ गई। ठीक है, लेकिन अगर आप इस सीलिंग की जो है बाउंड्री थोड़ा बढ़ाना चाह रहे, प्रोजेक्शन लेना चाह रहे, तो आप कैसे करें, तो उसके लिए आप जाइए फिर से ग्राउंड फ्लोर में। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में जाके जो है आप फिर से जाए रिबिन में। रिबिन में जाकर आर्किटेक्चर टैब में जाए, यहाँ पर जो है सीलिंग सेलेक्ट करें। ठीक है, सीलिंग सेलेक्ट करने के बाद सीलिंग ले लें, और उसके बाद मॉडिफाई टूल में जाकर यहाँ पर जो है इसकी बाउंड्री सेलेक्ट कर लें। और अगर आप इतना प्रोजेक्शन लेना चाह रहे, जितना भी आप प्रोजेक्शन लेना चाह रहे, उसके हिसाब से आप ड्रॉ कर दें। ड्रॉ करके जो है सेम उसी तरह जो है आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज पैलेट में लेवल और हाइट ऑफसेट सेट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर इस राइट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें। ठीक है, तो आप जो है आपके प्रोजेक्शन के साथ सीलिंग आपकी रेडी हो गई। ठीक है, अगर इसको आप चाहें तो टॉप व्यू से जो है 3D में भी इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट बाउंड, अगर आप इसकी बाउंड्री एडिट करना चाहते हैं तो आप इस एडिट बाउंड्री को क्लिक करके आप इसकी बाउंड्री एडिट कर सकते हैं। आप जैसे बोले वैसी शेप में जो है सीलिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप शेप एडिट करने के बाद इसको क्लिक कर दें, इस तरह आपकी जो है सीलिंग रेडी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल के रिविट आर्किटेक्चर के अंदर सीलिंग को कैसे क्रिएट करें। अगर आपको सीलिंग को क्रिएट करते वक्त, उसके प्रॉपर्टीज चेंज करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।